तुम दोनों में संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? रात को मेरे घर के सामने झगड़ा कर रहे हो? जी, एक फैसला कर लीजिए। आप इतने महान शिक्षक, प्लीज जरा हमारा एक फैसला कर लीजिए। क्या क्या? ले आते हैं, सब आते हैं, जाते हैं। रखा है ना? आ आपको दे दें? जी नहीं, कूलर मैं लेने जाऊंगा। अगर आपको ठंडी हवा चाहिए तो बाबूजी को ले जाइए, लेकिन बाबूजी ने सारा ही समझा। जी नहीं, कूलर हमारे घर पे लगेगा। अगर आपको आना है तो आप बाबूजी के साथ आइए और हवा खाइए। एक्सक्यूज मी, कूलर मेरे, एक्सक्यूज मी, कूलर मेरे घर पे लगेगा। कूलर मेरे घर पे लगेगा, मेरे घर पे लगेगा, मेरे घर पे लगेगा, मेरे घर पे लगेगा। थोड़ा आगे आ जाओ उनके करीब, थोड़ा पीछे जाइए, थोड़ा पीछे। तुम दोनों में संस्कार नाम का चीज है कि रात को मेरे घर के सामने झगड़ा कर रहे हो? जी, एक फैसला कर लीजिए। आप इतने महान शिक्षक, प्लीज जरा हमारा एक फैसला कर लीजिए। क्या फैसला? ऐसा है कि हमारे पास एक कूलर है जिस पर दोनों का अधिकार है, तो जरा बताइए कि हम दोनों इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? ये तो बहुत साधारण सवाल है। एक दिन तुम इस्तेमाल करो और एक दिन तुम इस्तेमाल करो। क्या बात है मास्टर जी, कितनी आसानी से आप इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मास्टर जी। आप एक महान शिक्षक हैं जी। धन्यवाद, अब आप आराम कीजिए और हमें हमारा काम करने दीजिए। जी, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।
अच्छी क्वालिटी का है क्योंकि मास्टर जी ने कंटो लगा रखा है। धन्यवाद मास्टर जी, आप आराम कीजिए और हमें हमारा काम करने दीजिए। शुभरात्रि। 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 कूलर बहुत सही से ठंडा कर रहा है क्योंकि मास्टर जी ने कंटो लगा रखा है। नहीं, हमारे पास तो ग्लास है। क्या करेंगे विभूति जी और तिवारी जी? नहीं, कूलर एक्चुअली हम लोग चुराने आए हैं। क्या है कि गर्मी बहुत पड़ रही है और भाभी जी जो है वो बार बार नहा रही हैं और बीमार है, उनको कूलर की बड़ी सख्त ज़रूरत है। यहाँ पर अंगूरी का भी हालत ख़राब है, तो अब दोनों ने प्लान किया है कि किसी तरह से कहीं से कूलर या एसी लाया जाए, लेकिन वो आउट ऑफ स्टॉक है क्योंकि सब बिक गया है माल पूरा। तो कानपुर की बुरी हालत है, तो उनके दिमाग में आता है कहाँ से ले। तो सक्सेना उनको आइडिया देता है कि मास्टर जी जो है उनके घर में कूलर लगा है, तो उसके कूलर की चोरी करने का प्लान बनाते हैं ये। और उसके बाद कूलर किसके घर में रखा जाए इसको लेके झगड़े होते हैं, तो डिसाइड होता है कि चलो तिवारी जी के घर में। तो तिवारी जी के घर में धीरे धीरे करके पूरा मोहल्ला पसर जाता है। अब आइडिया ये है कि कूलर इसलिए लगाया है कि किसी तरह से जो है जब सोएंगे तो कुछ ऐसा स्थिति बने कि भभूति जी भाभी जी के करीब सोएं और हम अनीता भाभी के, तो मतलब वो उसमें पूरी कॉमेडी है कौन कहाँ कि कौन कहाँ सोएगा। लेकिन बाद में कुछ गणित ऐसा बैठता है कि अंगूरी और अनीता भाभी साथ सोती हैं और ये दोनों साथ सोते हैं। तो फिर आगे कूलर किससे चुराया, क्या हुआ? हाँ, वो सारा फिर तहकीकात होगी तो हमारे ऊपर ही आएगा कि ये दोनों महाचोर हैं साले। हप्पू सिंह कहाँ रहेंगे? हप्पू सिंह भी जो है वो घूमते घामते यहीं आके सो जाएंगे। उनको पता भी नहीं चलेगा कि कूलर चोरी का है? हाँ, उनको नहीं पता चलेगा, वो बाद में फिर पता चलेगा उन्हें। लेकिन फिर भाभी जी के सामने वो गिड़गिड़ाएंगे कि भैया देखो हमने तो आपके मोहब्बत के लिए किया था जो किया था। थैंक यू सो मच। थैंक यू।